मैं विक्रांत मैसी बिंदास और ग्लैम अप लेके आए हैं ये है आशिकी, एक ऐसा शो जो रियल लाइफ लव स्टोरी से इंस्पायर्ड है और हमारी आज की कहानी भी हमेशा की तरह आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन हमारी आज की कहानी जो है एक बहुत ही स्पेशल जगह से है, तो इस कहानी को सुनाने के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल शख्स हमारे साथ है। जिस मिट्टी जिस जगह की ये कहानी है उसी मिट्टी के एक शख्स आज आपको ये कहानी सुनाएंगे। लेकिन उन्हें बुलाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। ये जो शख्स हैं, हाल ही में इन्होंने हम जैसे आम लड़कों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, क्योंकि आज की तारीख में हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से यही चाहती है कि उनका बॉयफ्रेंड इन्हीं की तरह अपने हाथ में गिटार पकड़े, अपनी मधुर आवाज में गाना गाए उनके लिए। एक काम करते हैं, उनसे ही मिल लेते हैं। आइए आयुष्मान। Hi Vikrant, how are you? Hi, I'm good. How are you? Thanks a lot. Thank you so much for coming in. Yeah, man. आयुष्मान, yeah. हम चाहते हैं कि हमारी आज की कहानी जो है वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ओके। क्योंकि प्यार और रोमांस को इनसे बेहतर तो कोई समझता है नहीं, क्योंकि दुनिया भर में प्यार को आप डोनेट करते फिरते हैं। पंजाबी खून है तो प्यार की प्रोडक्शन ही अनलिमिटेड है। क्या बात है। तो आयुष्मान, आप बताइए आप आज हमें क्या सुनाने वाले हैं? विक्रांत, हम प्यार की बात करेंगे। प्यार का माहौल है। प्यार दो तरह के होते हैं, एक सक्सेसफुल लव स्टोरी होती है, एक अनसक्सेसफुल लव स्टोरी होती है। सक्सेसफुल लव स्टोरी में ये होता है कि आपको हर एक चीज़ खूबसूरत नजर आती है जी। अगर आपका बॉयफ्रेंड गुड लुकिंग नहीं भी होता तब भी आपको बेस्ट लुकिंग नजर आता है, ऐसा लड़कियां कहती हैं मुझे। लेकिन एक होती है अनसक्सेसफुल लव स्टोरी जो बहुत ही दर्द देती है। आई थिंक प्यार में दर्द भी बहुत होता है, और ऐसी लव स्टोरी की बात करेंगे। इन दो प्रेमियों का प्यार कामयाब रहा लेकिन ये खुद नाकामयाब। गो फ्लाई की उड़ान 134 कनाडा से अमृतसर आ चुकी है। तो भाई साहब, पंजाब में आकर कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बढ़िया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, मजा आ गया। आपको मालूम है हरलीन तो आना ही नहीं चाहती थी। क्यों? पर गांव में जो अपनी जमीन है ना, वो मैडम के नाम है। इसीलिए शहजादी साहिबा को आना ही पड़ा। नॉनसेंस डैड। मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं अपना कॉलेज नहीं मिस करना चाहती थी। तो भाई साहब, फिर आपने इसको मनाया कैसे? भाई, मैंने सोचा कि सब लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। वैसे भी इतने सारे रिश्तेदार एक साथ एक ही जगह मुश्किल ही मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको तो मालूम है ये कभी मुझे ना कह नहीं सकती। हाँ जी, मैं पूरी दुनिया को मना कर सकती हूँ बट दैट को नेवर। ओह, सही बात है, सही बात है। डैड, डोंट यू थिंक ही लुक्स मोर लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट देन अ ड्राइवर? या Definitely. Look at him. Oh, actually, madam ji, I am just like any other driver. I have two eyes, one nose, and a mouth, and two hands and feet to drive the car as well. So, I'm just like them. Yeah. Wow, that's amazing. Such a well-spoken driver. और वो भी यहाँ? भाई, इतनी अच्छी English बोलना कहाँ सीखी? Sir, actually, I am a graduate. और ये जो cab चलाना है ना जी, वो ना मेरी choice है, मजबूरी नहीं है. I also want to start a business, sir. So, उसके लिए पैसे सेव कर रहा हूँ। किसी और पे डिपेंड करने से अच्छा है कि अपनी मेहनत करो और अपने पैसे कमाओ और अपना काम शुरू करो। That's amazing. That's very good. I like it. Huh? Yeah. Thank you, sir. बीच में मिले थे 7 साल पहले। शुक्रिया तू आई थी। Really? You guys never come to Canada, तो मुझे बार बार आना पड़ता है। निक्की, नमस्ते अंदर। जीती रहे मेरी बच्ची। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, रुक, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। हेलो जी, इसके नाम से एक बढ़िया सा लंगर लगा देना। बिल्कुल। आप यहाँ पे 5-स्टार होटल में? हाँ हाँ, क्यों नहीं,
इतनी सोनी हो गई है। थैंक यू अंकल। कितनी जल्दी बड़ी हो गई है बच्ची। भाई साहब हमारी हरलीन भी तो कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई है। मैं तो कहता हूँ हरलीन के लिए पंजाब में ही लड़का ढूंढ लेते हैं। क्यों जी? सही कह रहे हो। देखो जी, हम दोनों का ना एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। वो मेरी जान है, उसको मैं एक दिन ना देखूँ ना मैं तो घबरा जाता हूँ। इसीलिए उसकी शादी में कैनेडा में एक अच्छे सा लड़का ढूंढ कर उसी से कराऊंगा, इंडिया में बिल्कुल नहीं। भाई साहब जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपको चंगा लगे। चलो आओ जी। आओ जी, आओ जी। ये हमारा कमरा है, यहाँ से फुल गार्डन दिखता है। नाइस, आई लव सानेवाल यार। कल सुबह 6 बजे। हाँ जी मैम। किधर जाना है जी? एक्सक्यूज मी, ड्राइवर भी कितना सवाल पूछता है, तुम्हें उससे मतलब? मतलब नहीं है जी, वो लंबा सफर होगा तो टैंक फुल कराना पड़ता है। सनी, थैंक यू। अक्सर हम आसानी से दूसरों को जज कर लेते हैं, और क्योंकि आज ये हमारी एक फितरत सी बन गई है दूसरों को जज करना, हरलीन ने भी बहुत ही आसानी से सनी को जज कर लिया। लेकिन जब उसने ये जाना कि सनी के सपने क्या हैं और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहा है, और जब हरलीन ये समझ गई कि इस बंदे में वाकई कुछ तो है, वो उसे थोड़ा और करीब से जानना चाहिए। गुरुद्वारा और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है जी। एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए जी। शहर में और भी गुरुद्वारे हैं, लेकिन हम यहीं पर क्यों आए हैं? बताओ। You know, Sunny, this gurudwara is really special to me. इस गुरुद्वारा में पहली बार मेरे मॉम डैड मिले थे। This is where they first met. मॉम और डैड, डैड ना कड़ा प्रसाद बांट रहे थे, और जैसे ही डैड मॉम के सामने आए और मॉम ने अपनी हथेली आगे रखी, that was it. Love at first sight. You know, मॉम वहाँ पे थी, सिल्क का कुर्ता, पटियाला सलवार, एंड श्योर शी मस्ट बी लुकिंग स्टनिंग। डैड ने भी कुछ कुर्ता ही पहना हुआ था। व्हाट्स रियली अमेजिंग इज कि जब तक डैड मॉम के सामने गए नहीं ना, मॉम ने ऊपर देखा ही नहीं, बट द मिनट डैड रीच्ड हर, मॉम ने ऊपर देखा स्ट्रेट इनटू हिज आईज, एंड दैट वाज इट, दे फेल इन लव, हो गया प्यार। फैबुलस। अच्छा जी। अच्छा, ये सब आपको किसने बताया? President of Canada. Oh. What? Oh. Obviously, Dad ne, Sunny. जब मैं last time यहाँ आई थी. प्रसाद ले ले. ले लेते हैं जी. चलो. Mm-hmm.
वो एक मिनट में। थैंक यू। यू नो सनी, यहाँ आने का एक और रीजन था। एवरी टाइम आई कम हियर ऐसा लगता है कि मॉम यहीं है मेरे आसपास। आई रियली फील हर प्रेजेंस हियर। मैं जब पैदा हुई तब देयर वर सम कॉम्प्लिकेशंस एंड मॉम लॉस्ट हर लाइफ। मॉम के जाने के बाद डैड ने संभाला। समटाइम्स ही बैड फॉर मी, पुअर थिंग। दोनों रोल्स प्ले करने पड़े, डैड का भी मॉम का भी। आई रियली लव उनके बगैर मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। एनीवे इनफ अबाउट मी, तुम लोग कहाँ के? जी हम लोग इसी शहर के हैं। मेरे डैड उनकी डेथ हो गई थी कुछ 2 साल पहले, हार्ट अटैक। और अब सिर्फ मॉम और मैं ही हैं, और मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ। ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। इस जॉब से मैं कुछ पैसे कमाऊँगा और कार्स खरीदूँगा और अपना एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करूँगा, सिर्फ पंजाब में पहले, लेकिन उसके बाद बाकी सिटीज। अच्छा प्लान। जी मैम, काफ़ी प्लानिंग करता हूँ, बड़ा आदमी बनना है मुझे। I was thinking dad ko na ek surprise do. I mean something Punjabi, something traditional, but I don't know what. Matlab madam ji, jisme matlab mera effort lage, khud apne haathon se kuch, jo tum log khate na wo mooli ke paranthe and white wala makhan, mom banaya karti thi dad ke liye, but I don't know how to make it. So le bas itni si baat hai, ye to meri mom se kha dengi ji aapko. Really? हाँ जी हाँ, मेरी मॉम है ना जो, वो वर्ल्ड की बेस्ट कुक है जी। उनके एक परांठे खा खा के तो मैं इतनी बॉडी बन गई। वो ये की कर रही है, पानी डाल दे, ज्यादा नहीं, सारा ही गीला हो जाना है। I just can't do this. What? Take it off. How? Take it. Really? Really? मक्खन शक्कर की महक आई है, वरना इसके रहते तो कोई घर में खाना खाता ही नहीं, बस चाइनीज नाप शनाप बाहर का ही खाना खाता रहता है, घर में कुछ नहीं खाता ये। That's really weird, आंटी, क्योंकि इंडिया से इतने साल दूर रहने के बावजूद मुझे इंडिया का खाना इतना पसंद है। इनफैक्ट सिर्फ खाना ही नहीं, सब कुछ पसंद है। देखा मुंडन, कितनी समझदार कुड़ी है ये। बेटा एक बात कहूं तेनु, कुछ समझा इसनु, मेरी तो सुनदा ही नहीं। इसको बोल थोड़ा गड्डी धीरे चलाया करे, इतनी तेज चलांदा है कि बस दिल धक धक करने लगे। वो बाबा जी ने कहा था ना कुंडली देख के इसकी उम्र थोड़ी कम है, सुन के मेरी तो जान ही निकल गई। बस दिल इतना घबराता है कहीं कुछ हो ना जाए पुत्र। ओ बेबे रहने दे, कुछ नहीं होना मेनू, मैं भी चिंता करती रहनी है, की हो गया, 100 दी स्पीड ते चलाना बस। तो आप लोग कब आ रहे हो कनाडा? अरे वाह, ये क्या है? Okay, guys, ये specially मैंने आप सबके लिए बनाया है, वो भी अपने कोमल कोमल हाथों से। तूने अपने हाथों से खुद बनाया? Yeah. लेकिन मेरी बच्ची,
आज तक तो तू कभी किचन में गई नहीं। Dad, be a little fair, right? Come on, अब अच्छा टेस्ट करके देखिए और बताइए कैसा बना। All right, I'll do that. No, wait. I have a better plan. मैं आपको खिलाऊंगी। अरे lovely. समान. Okay. Dad, what? इसको यहाँ लाने का फायदा तो हो गया, ये अब कैनेडियन से पंजाबन बन गई। हाँ जी मैडम जी। हाय सनी, हरलीन हियर। प्लीज 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 अपनी मॉम को मेरी तरफ से एक बिग हग दे दो। एवरीवन लव्ड इट, सब ने खाया, डैड लव्ड इट और सब खत्म हो गया। नहीं मैडम, इसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है जी सारा। मतलब इतनी जल्दी कोई सीखता नहीं है, पर आपने तो सीख के बना के खिला भी दिया जी। मतलब फटे चक दिया आपने तो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा बचा के रखा है। आई मीन तुम ही नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा, राइट? तुम्हारे कारण तो सीखा है। एंड वैसे भी आई नीड योर ओपिनियन। नहीं मैडम, इट्स ओके, आपने बनाया अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, चिक मत करो, एक घंटे में छत पे मिलो, तब तक सब सो चुके होंगे, सो नो स्ट्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, ओके मैम, आप एंड प्लीज, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बचा के रखा है, सो यू बेटर कम। चलो ठीक है मैम, फिर आता हूँ। बाय। वेलकम, टडा। चोर चोर चोर। सनी तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले तू मुझे ये बता, इस समय तू हमारी छत पे तू कर क्या रहा है? अब बोल ना। और जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, शर्म नहीं आई तुझे? हैं? मार दूँ तेरे को। अरे तू चुप क्यों है? अरे पूरे दिन का खाना पीना तेरे को देते हैं, उसके ऊपर महीने की पगार भी, फिर भी तू। और रुको जी, अबिटो लाए अपनी हॉकी, इसको ठीक करते हैं अभी। ओ भाई साहब, हॉकी की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी इसे अपने मित्रों से सीधा करता हूँ। अरे रे, क्या कर रहे हो तुसी? मैंने इसे बुलाया था और मुझे दवाइयाँ चाहिए थी केमिस्ट से, तुम भी ना। ओए उल्लू दे पट्टे, तूने पहले क्यों नहीं बताया? बुत बन के ऐसे ही खड़ा हुआ है और सारे मिलके तेरी हड्डियां तोड़ देते और तेरा मुंह तोड़ देते, फिर क्या करता तू? चलो जी सब चलो, फॉल्स कॉल हो गया, चलो चलो। और सुन, सवेरे 6 बजे गड्डी तैयार होनी चाहिए, समझे? चलो भाई साहब, असी चल के दारू पीने। आ जाओ। तुसी तो बड़ी चोट लगे, बर्फ लाती हूँ, रुक तू यहाँ। Are you really mad? What is wrong with you? तुम इतनी देर से मार खाते रहे, कुछ तो बोलते, बोलना चाहिए था ना तुम्हें। ओ मैडम जी, ये पंजाब है, यहाँ पे किसी ने नहीं समझना आधी रात को तूने मुझे छत पे क्यों बुलाया था। Excuse me. और तू excuse me छोड़ अपना। ओ पंजाब में तो ऐसा होता ही रहता है। अरे तेरी इज्जत के लिए मैंने 2-4 खा भी ली तेरे मामले से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? I really don't get this. ले बर्फ लगा ले और घर जा। सुन पुत्र, जो तू कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। क्या कर रही हूँ? इतनी आधी रात को ड्राइवर को यहाँ पर छत पे बुलाना, ये यहाँ नहीं चलता बेटा। What are you talking about? समझ बेटा। Got it. Good night.
खाली पेट नींद नहीं आती ना। ओ मैडम जी, इतना कुछ हो गया और तुम्हें तो खाने को मिला ही नहीं। परफेक्ट, भूख लगी है ना, तो स्पेशली तुम्हारे लिए मैं ये पराठे गरम करके लाई हूँ। तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगे? एंड लाइक आई सेड, योर ओपिनियन रियली मैटर्स। नाउ आ कमल, तू पागल मत बन, तू उसे इतने दिनों से चाहता है, अपने दिल की बात आज नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा, उसकी शादी के बाद। तू क्या चाहता है, उसके बच्चे तुझे पापा पापा या मामा मामा कह के पुकारे? एक काम कर, तू कल कॉलेज के बाद उसे आई लव यू बोल दे। हाँ बोलेगी ना, ये उस पे छोड़ दे। चल अब बोर मत कर, रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। तुम्हें पता है आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे मॉम डैड का प्यार यहीं से शुरू हुआ था, शायद मेरा भी है। बावरी, आई रियली लाइक यू सनी। आई थिंक आई एम इन लव विद यू। हरलीन प्लीज, ऐसा कुछ मत बोलो जिसे बाद में बोल के तुम रिग्रेट करो। जो तुम बोल रही हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आई एम इन लव विद यू, आई डोंट वांट टू गो बैक टू कनाडा, मुझे यहाँ रहना है तुम्हारे साथ हमेशा। आई वांट टू बी योर वाइफ। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता सनी। हरलीन, तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं एक ड्राइवर हूँ और हमारे में फर्क है। तुम्हारे लिए शायद एसी मॉल्स में घूमना, उनमें शॉपिंग करना कोई मामूली सी बात होगी। मेरी एक महीने की पे तो तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे ही दे देते होंगे। फर्क है, और शायद तुम्हें ये फर्क ना नजर आए लेकिन तुम्हारे घर वालों को जरूर नजर आएगा। और सही भी है, तुम कैनेडा में पढ़ी लिखी हो, वहां पे पली बड़ी हो, यहाँ पर पंजाब के एक छोटे से गांव के छोटे से घर में कैसे एडजस्ट करोगी तुम? रहने दो, फालतू की बात। सनी, सनी, तुमने रात को किसी को क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हें वहां बुलाया था? आंसर मी। तुम्हारी नौकरी चली जाती, तुम्हें लोग मार रहे थे, तुम्हारे इतने इतने बड़े जो ड्रीम्स हैं उनके ऊपर एक ब्रेक लग जाता, बदमा हो। यू चोज टू कीप शट। तुमने उस टाइम पे कुछ क्यों नहीं कहा? कोई रीजन नहीं, चलो। सनी, तुम्हें बाबू जी की कसम, कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो, कि तुम पे कोई हाथ उठाए। नहीं देख सकता मैं, क्योंकि मैं क्या? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कोई नहीं मानेगा हरलीन। I knew कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। I could just feel it's perfect. सब मान जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, it's just perfect. तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे। No, my dad then. मैं अपने डैड को जानती हूँ, मैं और मेरे डैड कभी भी एक दूसरे को ना नहीं है। It's just, it's perfect, son. It's just. So beautiful. अर्लीन और सनी सोसाइटी की दो एक्सट्रीम्स को बिलोंग करते हैं, और हरलीन ये बात जानते हुए भी सनी को अपना दिल दे बैठे। सनी बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी था, बहुत ही सॉर्टेड, दिल की जगह दिमाग की बात सुनता था, लेकिन यहाँ पर उसने अपने दिल की बात सुनी और हरलीन को
दिल दे बेटा। He was madly in love with her. नहीं यार, सिचुएशन पे गाना नहीं जा रहा है। अच्छा? हाँ, मेरे पास एक गाना है, खुद का बनाया होगा, जो सिचुएशन बिल्कुल फिट है। ये हुई ना बात। साले, यही घर मिला था तुझे? औकात देख के इस तरह लड़ाया कर, बड़ा मजनू बनने का शौक है तुझे। इस घर में आएगा तू? अरे अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों मार रहे हैं इसने? भाई साहब, हमारे घर की लड़की पर बुरी नजर डाली है इसने। ले जाओ इसे अंदर, अंदर ले जाओ इसे। ले जाओ इसे बाहर, फेंक दो, फिर मेरे घर में नजर नहीं आना। ले जाओ। हरलीन, सनी, सनी मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी आओ। हरलीन, सनी, सनी प्लीज, हमें यहाँ से भागना होगा, there's no other way out. Please. Aline, are you sure कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहती हो? Of course, Sunny. I love you. I really do. And I don't think मैं अब एक पल भी तुम्हारे बगैर गुजार सकती। और अनंत कारिज की पूरी प्रिपरेशन मैं करके आई हूँ। प्लीज भागो। चलो भाई, सब कुछ सेट है, एक दो दिन के लिए तो ये टैक्सी अपना घर बनेगी यार। ऐसे लगता है कि अपनी वेडिंग नाइट भी यही बितानी पड़ेगी। चलेगा? फॉर मी। मैंने सुना था सुहाग रात किसी रिजॉर्ट में या फिर घर में या फिर एटलीस्ट फूलों के सजे हुए बेड पे बिताई जाती है। कार में? मैम, फूलों वाला बेड तो नहीं है, लेकिन सनी देखिए फिर मेरी डिस्को वाली कार। मैडम, आई प्रेजेंट टू यू अ वेरी पर्सनल इलू इलू। Thank you.
Good morning. I love you. I love you too. चंगी जगह है। Yeah, एक नई जगह, एक नई लाइफ। अब सब चंगा होएगा। चंगा तो होगा ही। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ जो शुरू कर रही हूँ। I'm just worried about your mom. हमारी मम्मी अकेले कैसे रहेंगी? मम्मी को मामा जी ले जाएंगे अपने घर। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। Are you sure? Really? Don't worry. Just a little worried. You'll be okay. हेलो हरलीन बेटे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पुत्र तूने शादी कर ली? बेटे तूने मेरा आशीर्वाद तक नहीं लिया। पापा, मैं आप लोग कभी सानी को एक्सेप्ट नहीं करते। What am I supposed to do? I should have come to you. ठीक है बेटा, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार तू भी तो आ सकती थी ना मुझसे मिलने। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, जो हो गया सो हो गया। मैंने तुझे तेरी शादी के बाद एक बार आशीर्वाद तक नहीं दिया। मेरे बच्चे, ऐसा मत कर, अपने बाप को इतनी बड़ी सजा मत दे पुत्र। डैड, रीमी, आप सर, आप गुस्सा नहीं हो मुझसे? ना बेटे ना, मैं कभी तेरे से गुस्सा हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो बस बता तू कहाँ है? हाँ बेटा, कहाँ है तू? डैड, हम लोग यहीं हैं, आउटस्कर्ट्स में, जवाहर के पास। ठीक है बेटा, तू बस वहीं रुक, तेरा बाप आ रहा है। पापा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, he's coming here. वो तुम्हें accept कर रहे हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं, सनी, he's coming here. अलीन, मुझे नहीं लगता वो इस बात को जाने देंगे, और वो मुझे भी नहीं जाने देंगे कभी। सनी, are you mad? ऐसा नहीं है। तुम्हारे डैड मुझे नहीं accept करेंगे, मुझे मालूम है। सनी, I know my dad, I know him and he loves me a lot. वो मुझे कभी ना नहीं कह सकते, कभी नहीं। He's going to come here. वो हमें घर लेके जाएंगे and properly accept किया जाएगा, and it's just perfect. It's perfect, Sunny. It's perfect. मेरी बेटी। असली आशीर्वाद तो मैं तुझे देता हूं। चलो मुड़ियो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्की चुनू रुके नहीं। है बावरी, ये आशिकी, गुस्ताखसी, ये आशिकी। की बात
मैं विक्रांत मैसी बिंदास और ग्लैमअप लेके आए हैं ये है आशिकी, एक ऐसा शो जो रियल लाइफ लव स्टोरीज से इंस्पायर्ड है और हमारी आज की कहानी भी हमेशा की तरह आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन हमारी आज की कहानी जो है एक बहुत ही स्पेशल जगह से है, तो इस कहानी को सुनाने के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल शख्स हमारे साथ है। जिस मिट्टी जिस जगह की ये कहानी है उसी मिट्टी के एक शख्स आज आपको ये कहानी सुनाएंगे। लेकिन उन्हें बुलाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। ये जो शख्स हैं हाल ही में इन्होंने हम जैसे आम लड़कों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, क्योंकि आज की तारीख में हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से यही चाहती है कि उनका बॉयफ्रेंड इन्हीं की तरह अपने हाथ में गिटार पकड़े अपनी मधुर आवाज में गाना गाए उनके लिए। एक काम करते हैं उनसे ही मिल लेते हैं। आइए आयुष्मान। Hi Vikrant, how are you? Hey, I'm good. How are you? Thanks a lot. Thank you so much for coming in. Yeah, man. आयुष्मान, yeah. हम चाहते हैं कि हमारी आज की कहानी जो है वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। Okay. क्योंकि प्यार और रोमांस को इनसे बेहतर तो कोई समझता है नहीं, क्योंकि दुनिया भर में प्यार को आप डोनेट करते फिरते हैं। पंजाबी खून है तो प्यार की प्रोडक्शन ही अनलिमिटेड है। क्या बात है। तो आयुष्मान आप बताइए आप आज हमें क्या सुनाने वाले हैं? तो विक्रांत हम प्यार की बात करेंगे, प्यार का माहौल है। प्यार दो तरह के होते हैं, एक सक्सेसफुल लव स्टोरी होती है, एक अनसक्सेसफुल लव स्टोरी होती है। सक्सेसफुल लव स्टोरी में ये होता है कि आपको हर एक चीज़ खूबसूरत नजर आती है। अगर आपका बॉयफ्रेंड गुड लुकिंग नहीं भी होता तब भी आपको बेस्ट लुकिंग नजर आता है, ऐसा लड़कियाँ कहती हैं मुझे। लेकिन एक होती है अनसक्सेसफुल लव स्टोरी जो बहुत ही दर्द देती है। आई थिंक प्यार में दर्द भी बहुत होता है, और ऐसी लव स्टोरी की बात करेंगे। इन दो प्रेमियों का प्यार कामयाब रहा लेकिन ये खुद नाकामयाब। गो फ्लाई की उड़ान 134 कनाडा से अमृतसर आ चुकी है। तो भाई साहब पंजाब में आकर कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बढ़िया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, मजा आ गया। आपको मालूम है हरलीन तो आना ही नहीं चाहती थी। क्यों? पर गांव में जो अपनी जमीन है ना वो मैडम के नाम है, इसीलिए शहजादी साहिबा को आना ही पड़ा। नॉनसेंस डैड। मामा जी ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं अपना कॉलेज नहीं मिस करना चाहती थी। तो भाई हुआ क्या? मेरे हस्बैंड का मर्डर। यू आर वेरी ब्रेव मैम, जो हिम्मत और हौसला आपने दिखाया है बहुत मुश्किल है। सच्चाई के लिए अपने ही परिवार को सजा दिलाना इतना आसान नहीं होता ये। तो मैं तो कहता हूँ मैम जी आपने तो वो कर दिखाया जो अर्जुन ने महाभारत में किया था। ओ सरदार जी क्यों बेकार में तारीफ कर रहे हो इस लड़की की? इसने तो अपने बाप के लाड़ प्यार का सारा हिसाब चुकता कर दिया है। बचपन से जिस बाप ने इसको पाला पोसा बड़ा किया सारी जिम्मेदारियां निभाई, और उसी बाप को चार दिन पहले मिले लड़के के लिए इसने सलाखों को भी चढ़लवा दिया। मामा जी पापा को एक ही सजा मिली पर मुझे दो दो सजा मिली। सनी चला गया उसका दर्द है, और पापा जो आपके साथ हो रहा है उसका दर्द भी तो मैं ही फील कर रही हूँ ना। सिर्फ आपको नहीं मुझे भी सजा मिली। हरलीन ने सनी से वाकई सच्चा प्यार किया था, तभी तो उसे इतनी हिम्मत मिली थी अपने परिवार वालों विक्रांत मैसी बिंदास और ग्लैमअप लेके आए हैं ये है आशिकी, एक ऐसा शो जो रियल लाइफ लव स्टोरीज से इंस्पायर्ड है और हमारी आज की कहानी भी हमेशा की तरह आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन हमारी आज की कहानी जो है एक बहुत ही स्पेशल जगह से है, तो इस कहानी को सुनाने के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल शख्स हमारे साथ है।
जिस मिट्टी जिस जगह की ये कहानी है उसी मिट्टी के एक शख्स आज आपको ये कहानी सुनाएंगे। लेकिन उन्हें बुलाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये जो शख्स हैं हाल ही में इन्होंने हम जैसे आम लड़कों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, क्योंकि आज की तारीख में हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से यही चाहती है कि उनका बॉयफ्रेंड इन्हीं की तरह अपने हाथ में गिटार पकड़े, अपनी मधुर आवाज में गाना गाए उनके लिए। एक काम करते हैं, उनसे ही मिल लेते हैं। आइए आयुष्मान। हाय विक्रांत, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आयुष्मान, हम चाहते हैं कि हमारी आज की कहानी जो है वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ओके। क्योंकि प्यार और रोमांस को इनसे बेहतर तो कोई समझता है नहीं, क्योंकि दुनिया भर में प्यार को आप डोनेट करते फिरते हैं। पंजाबी खून है तो प्यार की प्रोडक्शन ही अनलिमिटेड है। क्या बात है। तो आयुष्मान आप बताइए, आप आज में क्या सुनाने वाले हैं? देखो विक्रांत, हम प्यार की बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये प्यार का माहौल है। प्यार दो तरह के होते हैं, एक सक्सेसफुल लव स्टोरी होती है, एक अनसक्सेसफुल लव स्टोरी होती है। सक्सेसफुल लव स्टोरी में ये होता है कि आपको हर एक चीज़ खूबसूरत नजर आती है। अगर आपका बॉयफ्रेंड गुड लुकिंग नहीं भी होता तब भी आपको बेस्ट लुकिंग नजर आती है, ऐसा लड़कियाँ कहती हैं मुझे। लेकिन एक होती है अनसक्सेसफुल लव स्टोरी जो बहुत ही दर्द देती है। आई थिंक प्यार में दर्द भी बहुत होता है, और ऐसी लव स्टोरी की